तैयार है लड़ाई करने के लिए। ये जो डरा रहे हैं भाजपा, डरने वाले नहीं है। यहाँ जो उनका भाई बैठा है नवीन पटनायक, सरकार 25 साल से बैठा है, बीजेडी और बीजेपी तो दोनों भाई हैं। ये दोनों भाई आके जो दिए 25 साल में हिंदुस्तान को, क्या रहते हुए सेंटर में और यहाँ बड़ा बड़ा सपना दिखा है पूरा, कुछ नहीं किया भाजपा और कुछ नहीं किया उड़ीसा में जो सरकार है नवीन पटनायक बीजेडी सरकार। दूसरा रास्ते हुआ ये यहाँ चला रहा है पांडियन सरकार, यहाँ से दूसरा लोगों का सरकार चलाने नहीं देंगे। जितने भी तकलीफ हो, हमारा 25 साल में भी लोग सरकार में नहीं है, सत्ता में कांग्रेस नहीं है, फिर भी लड़ाई करने के लिए लाखों आदमी हिमालय के जैसे हमारे कांग्रेस के पीछे खड़े हैं। इसलिए उड़ीसा का सारे कांग्रेस नेता को मैं सलाम करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं इसलिए आप लोगों को इतना गुजारिश करता हूँ, ये एरिया पूरा पहाड़ी एरिया जो आदिवासी एरिया है, जो दलित लोग रहते हैं, जो पछुआ वर्ग रहते हैं, ये लोगों को लेके साथ में जो बोले थे राहुल गांधी कालाहांडी में, ये आदिवासी को न्याय देने के लिए मैं सिपाही जैसे लड़ाई करूंगा। लड़ाई करके दिखा दिए, नियमगिरी को बंद कर दिया गया। अरे लड़ाई तो हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं आने वाले जो आ रहे हैं 2024 राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सेंटर में कांग्रेस सरकार बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ओडिशा में सरकार बनाएंगे राहुल जी के नेतृत्व पर। ये हमारा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ राहुल जी को, ये जैसे भी होगा ओडिशा में आपका जो आपको हम समर्पित कर देंगे, लेकिन ओडिशा में सरकार बना के दे के जाएंगे और यहाँ से 10-12 एमपी के जिताएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लड़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे। मेरे साथ स्लोगान देना 3 बार, राहुल गांधी, राहुल गांधी, अरे उधर से जोर बोलो, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। लड़ाई के लिए तैयार है ना? बहुत बहुत बधाई, आप लोग इतना स्वागत किए, मैं इसलिए आप लोगों को सबको उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई करता हूँ, नमस्कार, और राहुल जी के ऊपर आभार प्रकट करता हूँ, नमस्कार। धन्यवाद शरद जी। देश के जननायक, अब सब लोग के दिल के चाहते, जो 4200 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर से चलने वाले व्यक्ति, जो हमेशा इस देश के 99% आबादी के लिए जिन्होंने उनकी आवाज उठाई है, मणिपुर से लेके गुजरात, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर, जबी भी और ओडिशा में याद कीजिए नियामगिरी वाला समस्या, जहां पर आदिवासी समाज का जमीन हड़प रहा था उद्योगपति लोग, राहुल जी आकर के उस जमीन को बचाए, आप सब लोग याद, आप सब लोग को याद है ना, याद कीजिए। इस देश में एक ही व्यक्ति ने आदिवासी समाज और पिछड़ा दलित समाज का जमीन बचाने के लिए अगर लड़ाई शुरू किया तो एक ही आदमी इस देश में, वो है श्री राहुल गांधी जी। तो इसलिए एक बार जोर से नारा लगाइए, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब मैं अनुरोध करूंगा मेरे परम आदरणीय राहुल गांधी जी की आप सब लोग को संबोधित करें। नमस्कार, आप सबका मैं यहां स्वागत करता हूं स्टेज पे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, दोनों स्टेट्स के पीसीसी प्रेसिडेंट, दोनों स्टेट्स के इंचार्ज और हमारे सब सीनियर नेता का यहां स्वागत करता हूं। सबसे पहले झारखंड से आए हैं, पिछले 6-7 दिन हम झारखंड में रहे, झारखंड में बहुत अच्छी यात्रा हुई, तो मैं झारखंड की लीडरशिप को दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत सफल प्रोग्राम झारखंड में करवाया। यहां ओडिशा में आज आकर मुझे एक बहुत खुशी हो रही है, आपने इतने प्यार से मेरा यहां स्वागत किया, नफरत के बाजार में आपने मोहब्बत की दुकान खोली। 2 मिनट में मैं आपको यात्रा के बारे में बताना चाहता हूं। पिछली यात्रा हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, 4000 किलोमीटर की यात्रा,
पैदल की, देश को जोड़ने का काम किया। और जो अभी भैया भैया माइक ठीक नहीं चल रहा है, डिस्टर्ब मत करो, आप ये सब मेरे भाषण के बाद करना, थोड़ा शांत हो जाए। तो हमारा लक्ष्य था कि कन्याकुमारी से कश्मीर चले और पूरे देश में जो नफरत का माहौल है उसके खिलाफ हमने यात्रा की, और वो बहुत सफल यात्रा हुई, लाखों लोग हमारे साथ जुड़े। मगर उस यात्रा पे हमें दूसरे प्रदेश के लोग मिले, झारखंड से लोग मिले, उड़ीसा से मिले, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट से मिले। उन्होंने कहा देखिए आपने कन्याकुमारी कश्मीर की यात्रा कर दी, मगर हमारे स्टेट का क्या होगा, हमारे यहां भी ये लोग नफरत फैला रहे हैं, हमारे यहां भी लोग आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, हमारे यहां भी अन्याय कर रहे हैं, अदानी को जमीन दी जा रही है, तो आपको यहां से भी आना चाहिए। इसलिए इस साल हमने मणिपुर से महाराष्ट्र यात्रा की। मैं चाहता था कि यह भी पैदल यात्रा हो, मगर चुनाव का समय है तो पार्टी ने निर्णय लिया कि थोड़ा सा इस यात्रा में हम पैदल चलेंगे, मगर यह यात्रा बस से होगी और जीप से होगी। तो आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हूं। इस यात्रा का भी वही लक्ष्य है, भारत को जोड़ने का लक्ष्य है। और जो 5 अलग अलग तरीके के अन्याय हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ किए जा रहे हैं, आर्थिक अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बंद करना, प्राइवेटाइजेशन, सामाजिक न्याय अन्याय जो आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ किया जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, और जो हमारे मजदूर हैं उनके खिलाफ अन्याय जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी ये यात्रा हमने शुरू की है। तो इसमें हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक शब्द जोड़ दिया है। अब मेरा लक्ष्य क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगले 2-3 दिन में हम उड़ीसा में होंगे, शाम को 15 मिनट ऐसा मेरा भाषण होता है, 7-8 घंटे हम उड़ीसा की जनता की आवाज सुनने आए हैं। जो भी हमसे बात करना चाहता है, बहुत सारे लोग समस्या रखते हैं, किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग आते हैं, किसी की लोकल इशू होती है, जैसे आज सुबह हम आ रहे थे, किसी के वहां पे जमीन का मामला था, सरकार ने उनकी जमीन छीन ली थी, तो हमने वहां पे उनका मामला सुलझा दिया, ठीक कर दिया। तो हमारी कोशिश रहती है कि आप जो भी कहना चाहते हो, आपके दिल में जो दर्द है वो आप हमें कहो। 7 घंटे आपको मिलेंगे, उसमें बहुत सारे लोग हमारे कांग्रेस के हैं, बाकी लोग हैं, वो सेल्फी चाहते हैं, वो भी हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो अगले 2-3 दिन में बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे चेयरमैन उड़ीसा के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अध्यक्ष श्री संतोष सिंह सलूजा जी की वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आप सब लोग से अनुरोध है, कृपया जो है गाड़ी के पास मत आइए, मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं। सर ने कहा सबसे मिलेंगे, धक्का मुक्की मत कीजिए, पीछे रहिए, आगे गाड़ी के पास मत आइए, सभी लोग से अनुरोध है, खास तौर से उस इलाके के लोग, कृपया जो है सर को गाड़ी में बैठने दीजिए। अब मैं संतोष जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो है धन्यवाद ज्ञापन दे। भारत जोड़ो यात्रा नए न्याय यात्रा में पधारे भारतवर्ष के शान युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय राहुल गांधी जी, उड़ीसा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय शरद पटनायक जी, प्रभारी आदरणीय अजय कुमार जी, झारखंड के प्रभारी और झारखंड के अध्यक्ष महोदय, मंच में विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, उड़ीसा से आए विभिन्न एरिया से भाई तथा बहनें,